रवि एक 5-स्टार होटल में शेफ का काम किया करता था। उसके हाथों में जादू था। रवि भाई, कस्टमर तुम्हारी पाव भाजी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अरे थैंक यू भाई, कभी कभी हमें भी पाव भाजी खिला दो। हाँ हाँ, आज मिलो होटल बंद होने के बाद। यहाँ खाएंगे तो बॉस लोग चिल्लाएंगे। आप एक काम करो, हम सब के लिए पार्सल पैक कर लाना। उस दिन नवीन ने ड्यूटी खत्म होने के समय पाव भाजी बनाई और पार्सल डिब्बों में भर ली। उसने अपने दोनों वेटर दोस्तों को वो पाव भाजी दे दी और एक डिब्बा अपने घर के लिए भी भर लिया। वो दोनों बहुत खुश थे और रवि भी बहुत खुश था। खुशी खुशी रवि घर पहुंचा। ये लो सुधा, पाव भाजी। अरे वाह, क्या बात है, आज हम गरीबों के नसीब में 5-स्टार होटल वाली पाव भाजी। वाह, ये अच्छा है, मैंने इतनी मेहनत से पाव भाजी बनाई और क्रेडिट 5-स्टार होटल को, इसीलिए तो मुझे अपना खुद का रेस्टोरेंट डालना है। हाँ पति देव जी, आपका रेस्टोरेंट जल्दी ही खुल जाएगा। उम्मीद है, पर ये सब कैसे होगा? घर की, बच्चों की, सबकी जिम्मेदारी भी तो मुझ पे है। हाँ वो तो है, पर मुझे उम्मीद है कि आपका रेस्टोरेंट जरूर खुलेगा। हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तभी पिंकी और अर्णव ट्यूशन से लौट आए। पापा पापा, आज तुम्हारे पापा तुम दोनों के लिए कुछ स्पेशल लाए हैं। पाव भाजी ना। अरे तुमने कैसे गेस किया? क्योंकि मेरा बड़ा मन था पाव भाजी खाने का। वाह, देखा, पापा को सब कुछ पता है। सुधा, सबको पाव भाजी परोसो। आज मेरे बच्चे मेरे हाथों की फेमस पाव भाजी खाएंगे। क्या आपकी पाव भाजी सच में फेमस है? है नहीं, पर हो जाएगी। चलो चलो, भूख लगी है, खाना टाइम। सभी ने मिलकर बड़े चाव से रवि की पाव भाजी खाई। आप तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाते हैं। थैंक यू। आपका रेस्टोरेंट जरूर खुलेगा। हाँ जरूर। फिर एक दिन की बात है, रवि होटल में खाना बना रहा था, मैनेजर उसके पास आया। दोस्त, मुझे बताने में बहुत तकलीफ हो रही है, पर तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। पर क्यों? होटल का मुनाफा कम हो रहा है, तो मैनेजर एम्प्लॉय भी कम कर रहे हैं, और इसी वजह से हम सिर्फ एक ही शेफ अफोर्ड कर सकते हैं। अब वही फास्ट फूड के साथ सारे फूड आइटम्स बनाएगा और उसे एक्सपीरियंस भी है, तो बॉस का डिसीजन है कि अब हमारे होटल में एक ही शेफ रहेगा, और इस वजह से तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है। रवि परेशान हो गया। उसने सोचा ना था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। वो घर पहुंचा और उसने सारी बातें सुधा को बताई। आप चिंता मत कीजिए, आपको दूसरे होटल में नौकरी मिल जाएगी। उम्मीद है जल्द ही मिलते हैं। रवि कई होटल्स में जॉब ढूंढने गया, पर हर जगह उसे बस निराशा ही मिल रही थी। लगभग 1 महीना हो गया था, अब वो निराश हो गया था। उस दिन जब वो घर लौटा तो वो रो पड़ा। क्या बात है, आज नहीं तो कल आपको जॉब मिल ही जाएगी। मैंने कितने होटल्स में कोशिश की, पर मंदी के कारण कहीं काम नहीं है। अब मैं क्या करूं? काम नहीं है तो क्या हुआ, आपके हाथों में हुनर है, आप खुद का रेस्टोरेंट डाल सकते हो। पर सुधा, रेस्टोरेंट डालने के लिए पैसे लगते हैं, वो कहां से आएंगे? मेरे गहने हैं ना सुधा, उनसे बस 2-4 लाख रुपए आएंगे। उतने में हम एक छोटा फास्ट फूड रेस्टोरेंट तो खोल ही सकते हैं। हाँ, आप कोशिश तो कीजिए, मुझे यकीन है आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है। रवि ने सुधा के सारे गहने गिरवी रख दिए और पैसे ले लिए। इन पैसों से रवि ने बाजार के बीचों बीच एक छोटा सा फास्ट फूड जॉइंट नाम का रेस्टोरेंट खोला। रवि के रेस्टोरेंट में सैंडविचेस, फ्रैंकी, मोमो और रवि की स्पेशल पाव भाजी बिकती थी। दोस्त, एक पाव भाजी दो, मुझे एक चीज सैंडविच। रवि का रेस्टोरेंट अच्छा चल पड़ा था। बाजार के बीचों बीच होने की वजह से वहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। कुछ ही महीनों में रवि ने अपनी पत्नी के गहने छुड़वा लिए। ये ले सुधा, तेरे गहने। भगवान की कृपा है हम पर, बड़ी जल्दी आपका रेस्टोरेंट सेट हो गया।
होता कैसे नहीं, मेरे हाथों में जादू जो है। हाँ हाँ, रवि और सुधा की जिंदगी में अभी खुशी के थोड़े ही लम्हे आए थे कि उन पर नया संकट आ पड़ा। रवि के फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सामने ही एक पाव भाजी का ठेला लग गया। पाव भाजी के ठेले में पाव भाजी बस 50 रुपए की थी और यही देखकर सारे ग्राहक रवि के फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बदले ठेले पर पाव भाजी खाने लगे। अब ये क्या नई मुसीबत है, अगर मैं पाव भाजी के दाम 50 रुपए से कम करूं, तो मेरे इस होटल का भाड़ा और मुनाफा कैसे निकलेगा। रवि की दुविधा बढ़ गई। अगले कई दिनों तक रवि सोचता रहा कैसे उस पाव भाजी के ठेले की मुसीबत से निपटे। अगर मैं दाम कम नहीं कर सकता तो मुझे कुछ नया करना होगा जिससे सारे ग्राहक मेरे रेस्टोरेंट में ही आए, पर क्या करूं? रवि सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है। जब वो घर लौटा तो भी वो सोच ही रहा था। सुधा, मैं क्या नया कर सकता हूँ? मैं समझी नहीं। अगर मैं पाव भाजी का दाम 50 रुपए से नीचे करूं तो मुझे मुनाफा नहीं होगा, और अभी तो सारे कस्टमर्स उस ठेले पे ही पाव भाजी खा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं भी कुछ नया करूं, ऐसा कुछ जो किसी ने नहीं सुना हो। सुधा अपने रसोई में मसालों की ओर देखने लगी। आपको याद होगा कि आपके गांव से काला मसाला आया है, अगर आप इस मसाले का इस्तेमाल करके पाव भाजी बनाएंगे तो वो बिल्कुल नई होगी। काली पाव भाजी? हाँ, काली पाव भाजी। और बस रवि और सुधा को आइडिया मिल गया। अगले दिन रेस्टोरेंट के बाहर बड़ा बोर्ड लग गया, स्पेशल काली पाव भाजी, और रवि ने अपनी स्पेशल काली पाव भाजी बनाना शुरू कर लिया। कई लोगों ने वो बोर्ड पढ़ा, फिर एक यूट्यूबर का ध्यान उस बोर्ड पर गया और वो रेस्टोरेंट के अंदर आया। रवि ने उसे काली पाव भाजी सर्व की। तो दोस्तों देखो, हमारे पीछे है स्पेशल काली पाव भाजी, आइए खाते हैं। उस यूट्यूबर ने पाव भाजी चखी। वाह वाह, लाजवाब। काली पाव भाजी का वीडियो वायरल हो गया और साथ ही रवि का फास्ट फूड जॉइंट भी फेमस हो गया। अब उस छोटी सी दुकान के बाहर लंबी लंबी लाइन लगा करती थी। सुधा और रवि ने कई और लोगों को काम पर रख लिया। काली पाव भाजी इतनी मशहूर हुई कि दूर दूर से लोग काली पाव भाजी खाने आने लगे। देखते ही देखते रवि का छोटा सा फास्ट फूड जॉइंट अब एक बड़ा होटल बन चुका था। आखिर अपने सपना पूरा कर ही दिया। हाँ, लेकिन ये सब तेरी वजह से मुमकिन हुआ है, तेरा आइडिया कमाल कर गया। काली पाव भाजी ने रवि के काले भविष्य को उज्जवल बना दिया, उसकी डूबती हुई नैया को पार लगा दिया और आखिर उसका होटल खोलने का सपना पूरा हो गया।